जय हिंद बच्चों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए, देरी के लिए माफी चाहते हैं, आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप सब इस बात से तो परिचित ही हैं कि जहां हम हैं वहां कुछ समस्याएं ना हो, ये बड़ा मुश्किल काम है, है ना। और हर समस्या को दूर करके आगे आना हमारा काम है, तो समस्या अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, सेशन प्रॉपर तरीके से चलेगा। और परसों आपका विजय माइनर है, जिसमें दो चैप्टर आ रहे हैं, प्लांट किंगडम आ रहा है एक तो, और दूसरा आ रहा है एनिमल किंगडम। सवाल तो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लेकिन एक बार आप फटाफट जो है जो के बताइए कि हमारी ऑडियो आप तक क्लियर पहुंच रही है, आवाज आ रही है, और दूसरा क्या आपको क्लियरली दिख रहा है। जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस सेशन में बहुत धाकड़ सवाल होने हैं, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम इसके बहुत जबरे सवाल होने हैं, है ना। और परसों आप सबका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार जाने वाला है, है ना। तो पढ़ाकर आपकी उम्मीदें जगाता हूं और आपके सपनों को उड़ान देता हूं, आपके MBBS बनने का जो सपना है वो आप बहुत अच्छे से और एक शानदार कॉलेज में अचीव करके पहुंच जाए, इसके लिए हम सबका एक प्रयास है। तो आइए जुड़ते हैं इस सेशन से फटाफट, जल्दी से जुड़ जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सब जुड़ जाओ भैया, है ना। कमेंट सेक्शन अभी हम देखेंगे, एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए, फिर सवाल शुरू करते हैं, है ना। दोनों चैप्टर के सवाल हैं बेटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के, है ना, जल्दी से। और वो कहते हैं ना कि दांव पर सब कुछ लगा दिया है, दांव पर सब कुछ लगा दिया है, मैं अब लौटा तो मैं लुट जाऊंगा, दांव पर सब कुछ लगा दिया है, मैं अब लौटा तो लुट जाऊंगा, समय नहीं पीछे जाने का, अब जो होगा भिड़ जाऊंगा। तो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन की ये शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल आपके सामने नीट 2022 का, फटाक से जल्दी से आंसर आप टाइप करके दीजिए बेटा। वेरी गुड, गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। और सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, फटाक से आंसर करिएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली के ऊपर हम लोग, अब तक आंसर आपका आ जाना चाहिए। इनकरेक्टली का मतलब होता है गलत, हमने गलत लिख लिया। अब हमने कहा कि भैया यहाँ एल्गी के बारे में है, यहाँ स्टोर्ड फूड के बारे में है, तो हमने कहा यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं एल्गी और यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम स्टोर्ड फूड। फटाक से हमको पता है कि यहाँ पर है ग्रीन एल्गी, यहाँ पर है ब्राउन एल्गी, यहाँ पर है रेड एल्गी। बेटा रेड एल्गी के अंदर जो आता है फ्लोरिडियन स्टार्च आता है, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के, रिवाइज भी करते चल रहे हैं। और ब्राउन एल्गी के अंदर आता है लैमिनेरिया और लैमिनेरिन और मैनिडॉल। याद रखना लैमिनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, एक ब्राउन एल्गी है, और लैमिनेरिन एक स्टोर्ड फूड का नाम है। तो लैमिनेरिया और लैमिनेरिन दोनों अलग है, लैमिनेरिया जो है ब्राउन एल्गी है, ऑर्गेनिज्म है, और लैमिनेरिन जो है वो स्टोर्ड फूड है, और दूसरा मैनिडॉल। और ग्रीन एल्गी के अंदर ज्यादातर में पाइरिनोइड्स होते हैं बेटा, और कुछ में जो है पाई ड्रॉपलेट्स होते हैं। और पाइरिनोइड्स क्या होते हैं कि सेंटर में प्रोटीन और उसके किनारे जो है वो स्टार्च होता है। तो आप मैच करा सकते हैं, यहाँ पर जो एक्टोकार्पस है वो क्या है भैया, ब्राउन एल्गी है, और यहाँ पर यूलोथ्रेक्स की अगर बात करेंगे बेटा तो ये ग्रीन एल्गी, अपोरफायरा रेड एल्गी, रेड एल्गी, और यहाँ पर ये भी है ग्रीन एल्गी, कॉलोनियल होती है। तो आप बताओ ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च है, सही है। यूलोथ्रिक्स के अंदर ग्रीन एल्गी में मैनिडॉल नहीं होता है, ग्रीन एल्गी में मैनिडॉल नहीं है, पाइरिनोइड्स है और ऑयल ड्रॉपलेट्स है, है ना। तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब, और एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, तो यहाँ पर फ्यूकोजैंथिन ये क्या है, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड नहीं है, ये है क्या, पिगमेंट। तो यहां पर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जबकि ये गलत है। तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर, फटाक से जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाक से आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाइड्रोकोलाइड कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम,
तो यहां पर कैरागीन की अगर बात करते हैं बेटा, तो ये ऑप्टेन होता है रेड एल्गी से। कैरागीन इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गी से ये ऑप्टेन होता है। जबकि अगर पूछा जाए कि किसी के साथ, तो एल्जिन ऑप्टेन होता है किससे, ब्राउन एल्गी से। तो आंसर आपके सामने है रोडोफाइसी वल्ली। थर्ड वन इज द राइट आंसर, फटाफट जल्दी से, थर्ड वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। थोड़ा सा फास्ट आंसर जो है तेजी से दीजिए, सरल सवाल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्या है, फिर आया 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागीन। कैरागीन कौन देता है, तो पहले ही अभी जस्ट पीछे ही हम लोगों ने किया है रेड एल्गी। तो आंसर क्या आएगा, रेड एल्गी, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट आंसर करो भाई। यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, कौन सी एल्गी ऐसी है जो मैनिटॉल रिजर्व फूड मटेरियल के, आप देखो स्टोर्ड फूड से एल्गी में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लगातार सवाल आए हुए, 2021 का सवाल है बेटा। और यहां पर अगर पूछा जाए, अगर हम ऐड करें पूरा, तो लैमिनेरिन, यहां पर लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल किस में पाया जाता है बताओ भैया, ब्राउन एल्गी। तो आप बताओ यहां पर आंसर, तो यहां पर यूलोथ्रिक्स क्या है बेटा, ग्रीन एल्गी, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी, और यहां वॉल्बॉक्स ग्रीन एल्गी। तो आप बताओ आंसर है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी केवल एक ही दिया हुआ है, कौन सा, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इज द राइट आंसर, फटाक से आंसर बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, धुआंधार सवाल पूछे हुए हैं भैया यहां पर। फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किसके किसके सिमिलर रखता है, डायरेक्ट आप बता दीजिए। यहां पर एक आएगा ग्लाइकोजन के सिमिलर, एंड दूसरा एमाइलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन ये दोनों से सिमिलर है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं यहां पर, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर, बी पार्ट, पांचवे का बी आंसर। फटाफट बहुत तेज रफ्तार से चीजों को बताते जाओ भैया, तेजी से, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले नंबर पे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल सेल। यूनिसेलुलर एल्गी सिंगल सेल, आप दो को जानते होंगे, पहला है यहां पर सिंगल सेल वाला, यहां पर एक तो है क्लोरेला, यहां पर है क्लोरेला, और क्लोरेला है, और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है स्पाइरुलिना, जिसका नाम है स्पाइरुलिना। तो आप बताओ इसने क्या पूछा है, एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी। तो आप बताओ यहां पर ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरुलिना और क्लोरेला, आंसर आपके सामने क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, डी पार्ट इज द राइट आंसर, फटाफट जल्दी से बताते जाए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन धुआंधार तरीके से बताते जाइए भैया, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। सिंपल सी बात है, कॉलोनियल में केवल हम लोगों ने एक ही पढ़ा है, दैट इज द ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी कौन सी, वॉल्बॉक्स, वॉल्बॉक्स ग्रीन एल्गी, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अच्छा अब आप कहेंगे सर ये दोनों क्या है, तो यहां पर फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा इज द फिलामेंटस, एंड क्लोरेला इज द यूनिसेलुलर, क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर। सिंपल सी बात है, ये सब पढ़ा हुआ है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए पार्ट इज द राइट आंसर, साथ में आप रिवाइज भी कर लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब क्या है बेटा, गलत। रॉन्ग का मतलब क्या है, गलत। अगर पूछा जाए एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, क्या ये बात बिल्कुल सही है, हाँ एल्गी फोटोसिंथेटिक है, और जब फोटोसिंथेसिस करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन रिलीज करेगी, तो इमीडिएट एनवायरनमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर में बढ़ जाएगी। एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, नहीं रेड एल्गी नहीं बल्कि ब्राउन एल्गी, एंड कैरागीन, कैरागीन, कैरागीन इज, कैरागीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, यहां पर ये गलत है। आप बताओ बेटा रेड की जगह क्या होना चाहिए था, ब्राउन, और यहां पर ब्राउन की जगह क्या होना चाहिए था, रेड, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप बताओ यहां पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, और इन्होंने गलत ही पूछा है। और यहां पर अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये क्या होती है, रेड एल्गी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही। लैमिनेरिया, नॉट लैमिनेरिन, लैमिनेरिया
एंड सार्गसम आर यूज्ड एज फूड, बिल्कुल सही बात। तो सेकेंड वन इज द, यहां पर ये आएगा बेटा लेमिनेरिया, और यहां पर लेमिनेरिया जो है ये क्या है, ब्राउन एल्गी। सार्गसम भी क्या है, ब्राउन एल्गी। अब तो दोनों के दोनों जो है यूज्ड एज फूड, हाँ लेमिनेरिया है, सार्गसम है, और एक रेड एल्गी पोरफाइरा है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड खाने में, और वो भी 70 मैराइन स्पीसीज ऑफ एल्गी में से हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर, आंसर करिए फटाफट। नौ नंबर सवाल ये कह रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब क्या है बेटा, गलत। आप हर बार नीट के अंदर जब भी सवाल आएगा, सही गलत करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स रॉन्ग, उसके ऊपर हिंदी में लिखेंगे ताकि आपसे गलती स्टेटमेंट को सेलेक्ट आउट करने की ना हो। तो आप बताओ, क्लोरेला और स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है वो प्रोटीनेसियस होती है। ये क्या है, प्रोटीनेसियस। अगला पूछा जाए, यूनिसेलुलर है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और एक ग्रीन एल्गी है, दोनों में प्रोटीन जबरदस्त है, यूनिसेलुलर है, बस एक प्रोकैरियोट है एक यूकैरियोट है बेटा, और इसका किंगडम है किंगडम मोनेरा, और इसका किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पे पूछी जाती है। अगला है, मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। तो ये तो गलत हो गया, रोडो नहीं होगा बल्कि ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी या फिर फियोफाइसी। अगला, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया और आपको गलत ही सेलेक्ट आउट करना है। एल्जिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी। अब यहां पर उसने ना रेड बोला ना ब्राउन बोला, तो यहां पर एल्गी का प्रोडक्ट है, ये बात सही है। तो चाहे रेड एल्गी आए चाहे यहां पर ब्राउन एल्गी आए। अगले नंबर पे, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रैसिलेरिया, जो कि रेड एल्गी होती है, तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, यहां पर भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बेटा बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो भाई, मेल गेमिट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है बेटा, मोटाइल, और मोटाइल किस में होते हैं भैया, यूलोथ्रिक्स में। क्या यूलोथ्रिक्स में होंगे, एक तो मोटाइल होंगे यूलोथ्रिक्स, और यूलोथ्रिक्स क्या होती है, ग्रीन एल्गी, जबकि इन्होंने यहां पर ग्रीन एल्गी जो है, यहां पर ग्रीन एल्गी का एग्जांपल केवल एक दिया है स्पायरोगायरा, जबकि स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, तो यूलोथ्रिक्स जो ग्रीन एल्गी है उसमें फ्लैजिलेटेड, और जो स्पायरोगायरा है उसमें नॉन फ्लैजिलेटेड। रेड एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर तो कोई फ्लैजिला ही नहीं पाया जाता है, कोई मोटाइल स्टेज ही नहीं पाई जाती है, तो ये गलत हो गया। एना बिना ब्लू ग्रीन एल्गी है ये, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो आंसर आएगा एक्टोकार्पस। क्यों आंसर आएगा एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, इसके अंदर जो पाए जाएंगे बेटा गेम फ्लैजिलेटेड, यहां पर फ्लैजिलेटेड गेमिट्स होंगे, और फ्लैजिला होते हैं यहां पर दो, और वो भी होते हैं अनइक्वल, और दो अनइक्वल के साथ इनकी पोजीशन होती है लैटरल। और एक और बढ़िया बात, इसमें जू स्पोर जो होता है और गेमिट्स जो होते हैं दोनों का से पियर फॉर्म या पारी फॉर्म से होता है। तो आप बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्टोकार्पस। अच्छा सवाल है बेटा, 2016 में पूछा गया। तो देखो यहां पर जनरली बच्चे को ग्रीन एल्गी याद थी, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड है, लेकिन यहां इसने कोई ग्रीन एल्गी नहीं दी, और जो दी वो स्पायरोगायरा दी जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। तो आप बताओ ब्राउन एल्गी के अंदर जो फ्लैजिला है वो दो अनइक्वल और लैटरल पाया जाता है, जबकि ग्रीन एल्गी में दो से आठ इक्वल और एपिकल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गेमिट। देखो आ गया तुरंत, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्पायरोगायरा, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा है ग्रीन एल्गी, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड, स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड। तो आपको आंसर भी साफ साफ मिल जाएगा, यहां पर सार्गसम की बात करें, बता दो जल्दी से, ब्राउन एल्गी है एक्टोकार्पस, ब्राउन एल्गी है,
ग्रीन एल्गी तो है लेकिन इसमें कैसा है, फ्लैजेलेटेड। अब ये बात याद हो जानी चाहिए, फ्लैजेलेटेड है। और यहां पर अगर पूछा जाए तो ग्रीन एल्गी है और ये क्या है बेटा, नॉन फ्लैजेलेटेड। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बार बार सवाल इसी पे पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहां पर आंसर वन इज द डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन धनाधन धनाधन क्वेश्चन का आंसर देते चले जाओ भाई। यहां पर व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, रॉन्गली का मतलब क्या छांटना है आपको, गलत। तो हमने कहा स्पायरोगायरा के अंदर, स्पायरोगायरा है क्या, ग्रीन एल्गी, सार्गसम, ब्राउन एल्गी, बेसिडियोमाइसिटीज, फंजाई और नॉस्टॉक है ब्लू ग्रीन एल्गी। वेरी गुड। अब बताओ यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर ब्लूम बनाएगा, हाँ सही बात। बेसिडियोमाइसिटीज को पब पाल बोलेंगे, बिल्कुल सही। सार्गसम में क्लोरोफिल पाया जाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होता ही है। और यहां आएगा स्पायरोगायरा में मोटाइल गैमेट होंगे, क्या ये बात सही है क्या, नहीं मोटाइल नहीं होते हैं, बल्कि यहां मोटाइल की जगह क्या लिखा जाएगा, नॉन मोटाइल। आप देखो एक ही जगह से बार बार सवाल आए हुए हैं। और नॉन मोटाइल का मतलब क्या है बेटा, नॉन फ्लैजेलेटेड। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, नॉन फ्लैजेलेटेड, नॉन मोटाइल या फिर नॉन। हजार बार ये सवाल आ चुका बेटा आपके सामने कि यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेलेटेड मोटाइल और स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजेलेटेड और नॉन मोटाइल, जबकि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में अगर देखा जाए तो फ्लैजेला है, लेकिन सबके निमिट मोटाइल जरूरी नहीं है। तो आप बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये वाला पोर्शन गलत है, तो यही गलत आपको सेलेक्ट करना था, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत मैच आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असरसन रीजन है और 2023 में आया हुआ है, अभी का आया हुआ सवाल है, जल्दी से देखो और बताओ फटाक से। ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, फर्स्ट स्टेज। तो मॉस के अंदर तो दो स्टेज होती है, एक होती है फर्स्ट स्टेज, एक होती है सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेमाई स्टेज, और सेकेंड स्टेज को बोलते हैं बेटा लीफी स्टेज, प्रोटोनेमाई स्टेज और लीफी स्टेज। तो आप बताओ अगर फर्स्ट स्टेज कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द प्रोटोनेमा स्टेज, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, हाँ सही बात भाई। स्पोरोफाइट में फूट है, सीटा है, कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है और उसमें मियोसिस से स्पोर बनेगा, और वो स्पोर बाहर आके जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होके पहली स्टेज जो गैमेटोफाइट की मॉस में देगा, दैट इज द प्रोटोनेमा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आप बताओ ए एंड आर आर करेक्ट, ये दोनों सही हैं। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इस बात का है, तो आंसर हो जाएगा अभी आया हुआ है 2023 में बेटा। नेक्स्ट वन गेमी, बता चुके हैं आपको क्लास में गेमी आर प्रेजेंट इन, फटाफट से आंसर दो भाई, गेमी आर प्रेजेंट इन, आंसर करिए फटाफट बेटा। गेमी का मतलब हमने बताया था, जी का मतलब आप मान लीजिए यहां पर ग्रीन है, और एम का मतलब है बेटा मल्टी सेलर, ग्रीन है मल्टी सेलर है और ए सेक्सुअल बर्ड है, ग्रीन मल्टी सेलर और ए सेक्सुअल बर्ड है, लेकिन ये पाई जाती है किसमें, हमेशा और हमेशा एक स्मॉल रिसेप्टिकल में पाई जाती है, और स्मॉल रिसेप्टिकल जो होता है उसे नाम देते हैं गीमा कप्स, यहां पर बोलते हैं गीमा कप्स, और गीमा कप्स के अंदर ये पाए जाएंगे, और पाए जाएंगे किसमें, लीवर वर्ड्स में, लेकिन सब में नहीं बल्कि सब में। तो आंसर चला जाएगा जिम्नोस्पर्म में नहीं बल्कि सम लीवर वर्ड्स, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये कह रहे हैं व्हिच वन इज रॉन्गली, रॉन्गली का मतलब क्या है बेटा, गलत। फटाक से जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आए आप तुरंत जो है तत्काल आंसर कर दीजिए। यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स, तो ये कह रहे हैं पॉलीसाइफोनिया, तो पॉलीसाइफोनिया है क्या, रेड एल्गी, रेड एल्गी में कभी फ्लैजेला पाए ही नहीं जाते हैं भाई। तो आप बताओ यहां पर फ्लैजेला अब्सेंट होगा, तो ये तो यूनिफ्लैजेलेट वाली बात बिल्कुल गलत हो गई, और आंसर भी क्या हो गया, फर्स्ट। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं बाकी तीनों में क्या है, बाइफ्लैजेलेट जो स्पोर पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में, हाँ ये बात सही है। गेमा कप्स पाए जाते हैं मार्केंसिया में, लीवर वर्ड्स है, सही बात है।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको गलत सेलेक्ट आउट करना था। तो रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं, कोई मोटाइल स्टेज नहीं, इसी वजह से, जबकि इन्होंने यूनिफ्लैजिलेट लिखा है। नेक्स्ट, यहां फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, पीट फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार एक मॉस है, और उस मॉस को ही, अच्छा उसको हम पैकिंग ऑफ मटेरियल या फिर ट्रांसशिपमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर में आएगा कौन बेटा, स्फैग्नम। आंसर में क्या आएगा, स्फैग्नम। यहां पर ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, लीवर वर्ड्स, और यहां पर ये दोनों क्या है, मॉस। लेकिन यहां पर आंसर जो जाएगा वो आएगा स्फैग्नम। स्फैग्नम ही केवल पीट देता है, तो इसीलिए इसे पीट मॉस भी बोलते हैं। तो सही जवाब होगा चौथा विकल्प। अगला और आसान सवाल और बढ़िया सवाल, हाँ तेजी से जो है आप आंसर करते रहें। यहां ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करिए जो हेट्रोस्पोरस हो लेकिन टेरिडोफाइट हो। तो दो ही तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, लिखने की अलग से जरूरत इसलिए है ताकि दिमाग में आपके रहे ये बात। तो क्या बोलेंगे, सेलाजिनेला और साल्विनिया, सेलाजिनेला और साल्विनिया। तो आंसर आप ढूंढ सकते हैं, सेलाजिनेला और साल्विनिया इज द राइट आंसर। सही जवाब है चौथा विकल्प। अगर पूछा जाए कि साइलोटम साइलोप्सीडा में, और यहां पर ये हेट्रोस्पोरस नहीं होमो है, इक्विसेटम जो है होमोस्पोरस है, लाइकोपोडियम जो है होमोस्पोरस है, तो आप बताओ आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा चौथा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगला सवाल फिर वही सवाल। आप देखो 2021 में 2022 में कितनी बार सवाल एक ही जगह से पूछा गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। जेनरलाइज सेलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर। हाँ सही बात है, जब टू डिफरेंट काइंड के स्पोर वो बनाते हैं, इसीलिए तो हम लोग उसे हेट्रोस्पोरस कहते हैं। क्या शानदार जबरदस्त तरीके से उन्होंने आपके कॉमन सेंस का उपयोग किया है। आप देखो उन्होंने खिलवाड़ स्पेलिंग में कर दिया है। आप देखो यहाँ होमोसोरस है और यहाँ पर होमोसोरस और यहाँ पर होमोस्पोरस, तो जबकि ये आंसर दोनों नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कर दिया हेट्रोसोरस और यहाँ पर कर दिया हेट्रोस्पोरस। तो आंसर जो है वो सही जवाब है फर्स्ट वन, और ये तो सही जवाब हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पेपर में सेट में 2021 में ये वाला विकल्प पहले नंबर पे था, अब देखते ही बहुत सारे बच्चों ने बेटा डायरेक्टली आंसर कर दिया हेट्रोसोरस, जबकि ये बात सही बिल्कुल नहीं है, पढ़ना चाहिए। इसीलिए आप अंडरलाइन करते हुए पेपर को हमेशा पढ़िए। अगला क्वेश्चन आइएगा, स्ट्रोबेलाई या फिर कौन सा फाउंड इन, दो लोगों में पाए जाते हैं भाई। यहां पर एक तो पाया जाता है बेटा सेलाजिनेला, एक तो पाया जाता है सेलाजिनेला, और दूसरा पाया जाता है यहां पर सेलाजिनेला और इक्विसेटम, सेलाजिनेला और इक्विसेटम, सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम, इनमें पाया जाता है कौन, और हेट्रोस्पोरस होते हैं सेलाजिनेला और साल्विनिया। तो आंसर आपको मिल गया है यहां पर साल्विनिया, फर्स्ट वन इज सॉरी यहां पर साल्विनिया नहीं आएगा, ये तो हेट्रोस्पोरस है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहां सेलाजिनेला और इक्विसेटम में आपको मिलेगा क्या, इक्विसेटम, क्योंकि कौन के बारे में पूछा है ना। तो सेलाजिनेला साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट, स्पेशली मेल गेमेट, तो आप बताओ मेल गेमेट के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए, और मीडियम चाहिए कौन, तो आप बताओ मीडियम होता है कौन, वाटर। वाटर में अगर वाटर यूज एज ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी सवाल, लीड 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करते जाइए, इतने हैवी क्वेश्चन नहीं है। अगर सवाल की हैसियत तभी खत्म हो जाती है जब आप क्लासरूम पढ़ लेते हैं अच्छे से, और चीजों को एनसीईआरटी में कई बार रिवाइज करा देते हैं, तो उसके बाद सवालों की हैसियत ना है बेटा। और ऑफलाइन में हम लोगों ने चीजों को एक बार नहीं 10 बार चीजों को याद किया हुआ है, तो इसलिए जो है ये जो है अगला सवाल आपके लिए 2018। ये कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ऐसा है जो आपको सही लगता है। तो हमने कहा भाई ठीक है पढ़ लेते हैं, ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ये बात बिल्कुल सही है।
नॉट इनक्लोज्ड वाली बात तो सही बात है, कोई ओवरी वॉल नहीं होती है क्योंकि ओवरी ही नहीं होती। सेलाजिनेला हेटरोस्पोरस है जबकि साल्विनिया होमोस्पोरस है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। ये भी क्या है, हेटरोस्पोरस। और हॉर्स टेल्स और फर्न्स जो कि टेरिडोफाइट होते हैं, ये कह रहे हैं हॉर्स टेल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाती है। और स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस तक तो ठीक है दोस्त, लेकिन अगर बात की जाए पाइनस में और सेड्रस में तो इसमें होता है ब्रांच्ड स्टेम, तो यहां पे बात आके गलत हो जाती है। तो आप सभी साथी ये बात जानते हैं, एनसीईआरटी में ये बात मेंशन है, तो यहां पर ये बात इसके लिए गलत हो गई। तो आंसर आपको ढूंढना था सही का, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, आपके सवाल का सही जवाब है पहला विकल्प। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच, अच्छा सवाल है। मिसमैच का मायने क्या है, मिसमैच का मतलब जो ऑड है, तो जरा बताइए साइकस क्या, डायोसियस है 100%, जबकि अगर आपको याद हो एक जिम्नोस्पर्म है पाइनस जो कि होता है एक्सेप्शनली मोनोसियस, क्या होता है बेटा एक्सेप्शनली मोनोसियस, और साइकस क्या है डायोसियस, सही बात। साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, आप सभी ने अभी अभी पढ़ा है कि सेलाजिनेला और साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस है, इक्विसिटम होमोस्पोरस है, पाइनस डायोसियस है, बस ये वाली बात यहां पर गलत इन्होंने लिख दी है, पाइनस जो है वो मोनोसियस है। मैंने सवाल को देखे आपने देखा आपने तभी हमने लिख दिया, तो आप बताओ ये पोर्शन जो है ये गलत है, डायोसियस नहीं है बल्कि मोनोसियस है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या जाएगा, चौथा विकल्प, पाइनस जो है वो डायोसियस नहीं बल्कि मोनोसियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आएगा कोनीफर्स, मतलब बात होने वाली है जिम्नोस्पर्म की। आर एडाप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से ऐसा ये कर पाते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं बेटा, पत्तियों के ऊपर थिक क्यूटिकल का होना, पत्तियों के ऊपर मोटी क्यूटिकल का होना, और इनके स्टोमेटा का बहुत धंसे होना, मतलब डीपली सेचुएटेड होना, तो संकीर्ण स्टोमेटा का होना, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो निडल लाइक लीव्स का होना, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, तो वाटर लॉस कम हो जाएगा, तो वेसल्स तो इसमें वैसे भी ना होनी है, यहाँ सुपरफिशियल स्टोमेटा गलत बात, डीपली सेचुएटेड, अब ब्रॉड और हार्डी लीव्स होती है, ब्रॉड तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। सी पार्ट इज द राइट आंसर, इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, सी पार्ट इज द राइट आंसर, थिक क्यूटिकल जो है वो आएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट का मायने क्या होता है बेटा, सही, करेक्ट का मायने क्या होता है, सही। सिकोया जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज है, क्या ये बात सही है, हाँ सिकोया जो है वो टॉलेस्ट ट्रीज है, तो ये तो सही बात है, यही सही मिल गया आपको। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडाप्टेड, तो नॉट गलत हो गया, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस गलत हो गया, साल्विनिया गिंको एंड पाइनस आल आर जिम्नोस्पर्म, साल्विनिया गलत हो गया। आप कहेंगे सर साल्विनिया क्या है, अभी अभी पढ़ के आए हो, टेरिडोफाइट है बेटा, और यहां होमोस्पोरस नहीं बल्कि जो जिम्नोस्पर्म है वो एक्सक्लूसिवली क्या है बेटा, हेट्रोस्पोरस, और जो लीव्स है वो वेल अडाप्ट होती है किसी भी क्लाइमेट के लिए या वाटर लॉस को बचाने के लिए, और सिकोया टॉलेस्ट ट्रीज है, तो सारे ऑप्शन गलत है केवल एक को छोड़ के, तो इसका सही जवाब क्या आएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, और मैं समझता हूं आपके स्तर पे पढ़ने के बाद आपके स्तर का सवाल ये नहीं बचता है क्योंकि आपके जवान पे है ये। अगला ये कहते हैं कि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से किसमें गैमेटोफाइट नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, मतलब गैमेटोफाइट वो इंडिपेंडेंट या फ्री लिविंग नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये लाइन कि भाई गैमेटोफाइट जो है वो रिटेन कर जाता है या प्रेजेंट रहता है अपने स्पोरोफाइट पर ही, ऑन द स्पोरोफाइट ही रह जाता है, विद इन द स्पोरेंजिया ही रह जाता है, तो आप बताओ ऐसा किसमें होता है भैया, जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो सही आंसर आप ढूंढ लीजिए, यहां पर ये टेरिडोफाइट है, यहां पर ये जिम्नोस्पर्म, और ये ब्रायोफाइटा जो मॉस है, और ये है लीवर वर्ड जो ब्रायोफाइटा है, तो ब्रायोफाइटा में तो नहीं होना है, पेरिडो में भी नहीं, बी पार्ट इज द राइट आंसर,
दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इसका, है ना। तो आप फटाफट के, अब ये सवाल जो है आपको एज इट इज ध्यान भी रहना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर जो है वो सही है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द थ्री, इन तीनों। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, बढ़िया पढ़ो और जल्दी से इसका जवाब जरा टाइप करके बताओ भैया, जल्दी से इसका जवाब टाइप कीजिए। एक पूछ रहे हैं फ्यूनेरिया, और फ्यूनेरिया जो है वो है मॉस, और मॉस में क्या है बेटा, ब्रायोफाइट। और ब्रायोपेरिस की अगर बात करें तो ये है टेरिडोफाइट, ये है टेरिडोफाइट, गिंको जिम्नोस्पर्म है। तो ये कह रहे हैं तीनों में कौन सी बात जो है वो कॉमन है, ये बताना है कॉमन बात। तो ये बताओ, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू यहां पर नहीं पाया जाएगा, यहां पर पाया जाएगा, यहां पर पाया जाएगा। इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट, इसका गेमिटोफाइट तो मान लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, इसका गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसका गेमिटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। टेरिडोफाइट में तो प्रोथायस बाहर मिट्टी में ही है, उसे भी किसी की जरूरत नहीं, लेकिन ये गेमिटोफाइट अपने स्पोरोफाइट पर ही लगा रहता है विद इन द स्पोरेंजिया। और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, तो यहां ये लागू नहीं क्योंकि स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गेमिटोफाइट, और यहां पर तो इंडिपेंडेंट होता ही है, यहां पर ये लागू है, यहां पर भी ये लागू है। तो आप बताओ बेटा, यहां ये वाला विकल्प, यहां ये वाला विकल्प, यहां ये वाला विकल्प अल्टीमेटली गड़बड़ कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर, आंसर आएगा प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। तो आप बताओ, आर्किगोनिया ब्रायो में है, टेरिडो में है और जिम्नो में है, एनजीओ में नहीं पाई जाती। तो लास्ट ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया टेरिडोफाइट, लास्ट ग्रुप ऑफ आर्किगोनिया जिम्नोस, पर पहले से ही आपने पढ़ रखा है। तो सही जवाब इस सवाल का पहला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आसान सवाल है और इन्होंने इसको 2022 में ये सवाल पूछा हुआ है, जल्दी से आप आंसर करें बेटा, बहुत बढ़िया शाबाश। ये कह रहे हैं कि भाई देखो, यहां पर स्पाइरोगायरा जो है वो है ग्रीन एल्गी, स्पाइरोगायरा जो है वो है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, और यहां फर्म जो है वो है टेरिडोफाइट। इत्मीनान से सवाल को करिए, आपने पढ़ा है और उसको पूरा वसूलिए। यहां पर बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट के, और ब्रायोफाइट में मॉस की बात कर रहे हैं भैया, और यहां पर बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की, इतनी बात तो हमें मालूम है। अब हम कहेंगे कि भैया स्पाइरोगायरा के अंदर एल्गी की अगर बात करें तो एल्गी में जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट हैप्लॉयड और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ये किस में नजर आएगा ये हमें बताना है। तो डोमिनेंट हो, अच्छा डोमिनेंट हो, हैप्लॉयड हो और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं यहां पर सेकंड ऑप्शन पे, डोमिनेंट है, हैप्लॉयड है, फ्री लिविंग और गैमेटोफाइट है। नेक्स्ट फर्न की अगर बात करें बेटा, तो आप देखिए डोमिनेंट तो है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, वैस्कुलर प्लांट भी है, और यहां पर वैस्कुलर प्लांट भी देखो डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, यहां तक कॉल्ड प्रोथैलस, रिड्यूस्ड है, हाईली रिड्यूस्ड नहीं है। तो आप बताओ टेरिडोफाइट को हम मैच करा लेंगे तीसरे से। फ्यूनेरिया की अगर बात करें बेटा ब्रायोफाइटा, तो डोमिनेंट हैप्लॉयड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग पार्शियली इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। अच्छा सवाल है ये, मैच का कॉलम का 2022 में आया हुआ है, तो आप इसका आंसर कर देंगे चौथा ऑप्शन, साइकस के अंदर पहला आएगा, डोमिनेंट है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है, वैस्कुलर प्लांट है, हाईली रिड्यूस्ड मेल आर फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट एल्गी से चलता है, ब्रायोफाइटा मोस्ट डेवलप्ड होता है मॉसेज में और फिर रिड्यूस करके एंजियोस्पर्म में लीस्ट डेवलप हो जाता है। तो 2, 3, 4, 1 करके ऑप्शन है, और जो आपको मिल जाएगा बेटा यहां पर बी पार्ट में, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, सही जवाब इसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा एनिमल किंगडम। अगला है एनिमल किंगडम, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। तो आप कहेंगे कि भैया सिलेंट्रेटा में तो रेडियल पाई जाएगी, सिलेंट्रेटा में रेडियल जो है वो पाई जाएगी, टीनोफोरा में भी रेडियल ही पाई जाएगी, यहां पर
ये एडल्ट अगर होगा इकाइनोडर्मेटा का तो रेडियल ही पाई जाएगी, इन तीनों के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री ही पाई जाती है। अब तक आपका आंसर आ गया होगा। और यहां हेमिकॉर्डेटा के अंदर, अच्छा जब आप कहते हैं कि एडल्ट रेडियल है इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा का अगर लार्वा आप देखेंगे तो इसमें क्या होती है बेटा, बाइलैटरल। लेकिन इसने क्या पूछा है एडल्ट के बारे में, इसीलिए यहां पर ये सही। अब आएगा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में सिमेट्री होती है बेटा बाइलैटरल, और इस कारण से यहां पर सही जवाब होगा डी पार्ट। डी पार्ट इज द राइट आंसर। आ रहा होगा, सबको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए समझिए और आंसर करिए फटाफट जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, ये कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रू सीलोमेट है, और विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी है। बस एक बात पकड़ लीजिए, सेगमेंटेशन केवल पाया जाता है दोस्त एनेलिडा में और आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में, एनेलिडा में और आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। जल्दी से आप आंसर ढूंढ सकते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा लिखा हुआ है दूसरे विकल्प पे, तो दूसरा विकल्प इसका सही जवाब होगा, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब तक सबका आ जाना चाहिए, इतना मुश्किल सवाल नहीं आता है। बस केवल एक बार आप इसको सर्कुलेशन अपने रिदम में ले आ लीजिए, तो उसके बाद ये सब सवाल आपसे बहुत धड़ल्ले से होने लगेंगे। दरअसल आपकी दिक्कत क्या है कि आप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को कंसेप्ट के साथ अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, और उसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आपका सवाल जो है वो कठिन लगेगा। अदरवाइज सवाल को कोई मतलब नहीं है बेटा, अगर आपको चीजें याद है तो। आप बताओ विजन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट, मतलब सीलोम ट्रू हो और बाइलैटरल सिमेट्री, तो आप बताओ ट्रू सीलोमेट हो तो यहां पर एडल्ट इकाइनोडर्म्स की अगर बात करें तो यहां पर सिमेट्री क्या गड़बड़ कर रही है, रेडियल सिमेट्री हो जा रही है, यहां पर रेडियल सिमेट्री। एस्केहेमेंथीस की अगर बात करें तो सब तो ठीक है, लेकिन यहां पर ये क्या हो जा रहा है, स्यूडो सीलोमेट। और प्लेटीहेमेंथीस की अगर बात करें तो यहां पर ये हो जा रहा है ए सीलोमेट। अब तक आप समझ चुके होंगे कि आंसर जो है वो एनेलिड्स है, और चौथा विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप सब देखते जाएं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो अबव द लेवल, अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है, सवाल जो है आपके सामने टिकेगा नहीं, आप देखेगा। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर, अब यार मैमेलियन का कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैमल का कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल सी बात है, इनमें हेयर्स तो बॉडी हेयर्स पाए जाएंगे, पिन्ना पाया जाएगा, और मैमल है तो मेमरी ग्लैंड होगा ही, चौथा विकल्प इसका सही जवाब है। लेकिन यहां पर आप देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये गलत हो गया, यहां पर ये मोनोकोंडाइल गलत हो गया, और यहां पर ये कह रहे हैं हेयर्स हैं, पिन्ना है, लेकिन इनडायरेक्ट बोल के गलत कर दिया। तो इतना आसानी से, अब आप देखें पहले सवाल से लेके अभी तक 31 नंबर के सवाल में हर सवाल के विकल्प में हमने गलत शब्द को कट किया है, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस रहे, या आप जब पेपर करें तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने उस वर्ड को पकड़ लिया जिसकी वजह से तीन विकल्प गलत थे, उस वर्ड को पकड़ लिया जिसकी वजह से वो उसका आंसर नहीं जा सकता था, बस यही है कॉन्फिडेंस का खेल। तो नीट जो है वो इम्तहान किसी टैलेंट का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास का है, और वो आत्मविश्वास आता है अपने आप की प्रैक्टिस से, और वो प्रैक्टिस आप तब कर पाएंगे जब आप चीजों को कंसेप्ट के साथ पहली बार पढ़ेंगे, विजन पहली बार अच्छा होगा तब रिवीजन होगा, पहली बार में ना आ रहा है, पहली बार में चीजें लिबिर लिबिर कर रही हैं, दिमाग में एकदम मिक्स हो रही हैं, तो उसके बाद आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना। इसलिए कोशिश करिए कि बार बार कॉपी और एनसीईआरटी को पढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 32 बेटा, यहां पर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट, कॉर्डेट के लिए क्या सही है, प्रेजेंस ऑफ ए मिड डॉर्सल सॉलिड, यहां पर इन्होंने गलत कर दिया, हॉलो होना चाहिए, और डबल अगर कर दिया तो सिंगल होना चाहिए, कट कर दिया तो गलत हो गया।
प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है. प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स 100%. प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हर्ट, वेंट्रल हर्ट होता है सर क्वाड्रेट में तो गलत हो गया. ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है लेकिन स्यूडो सिलोमेट नहीं बल्कि सिलोमेट होता है, इस वजह से गलत हो गया. तो आंसर आपके सामने है बी एंड सी वनली, चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब होगा. आप सभी का भी ये आंसर फटाफट जल्दी से, वेरी गुड. नहीं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का होना नहीं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है. अब ये अमन पूछ रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है मैमल के यूनिक फीचर में, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो है लेकिन वो हमारा यूनिक फीचर नहीं है बेटा. हमारा यूनिक फीचर और हमारा ईयर जो रिप्रेजेंट होता है वो ईयर पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर से होता है, बाकी में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होता है. तो हमारे आप में भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है 100% है लेकिन वो हमारा यूनिक फीचर नहीं है. और ईयर हमारा रिप्रेजेंट होता है किससे बताओ, ईयर पिन्ना से. तो आप सवाल देखिए पिछला, तो उसमें आप पाएंगे कि उसने पूछा है यूनिक फीचर क्या है ना बेटा, तो ये आप ध्यान रखिए. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहते हैं सिंपल सवाल. क्या सवाल आता है यार नीट में, सिंपल सिंपल सवाल तुमको डॉक्टर बनाते हैं लेकिन तुम अपनी लापरवाही की वजह से मुश्किल कर देते हो उसको, है ना. 2022 का क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन की क्या दिक्कत है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, इसमें क्या समस्या हो सकती है. सिंपल सी बात है, काइटिन से बना होता है, काइटिन इज द राइट आंसर, तो सी पार्ट सही जवाब होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं फॉलोइंग एनिमल्स दिए गए हैं, किसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, तुरंत आना चाहिए. एक क्रॉप पाया जाता है, दूसरा गिजार्ड पाया जाता है. तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये क्रॉप और गिजार्ड आपको नजर आएंगे बर्ड्स में, और अगर बर्ड्स की बात करें तो एप्स में, और एप्स में यहां पर आपको यही देखना है. तो आप कहेंगे सर चैमेलियन जो है ये जो है रेप्टाइल है, यहां पर बैलेनोप्टेरा मैमल है, ब्यूफो एम्फीबिया है, ये भी नहीं होगा. बैलेनोप्टेरा मैमल है भेल, और बंगेरस जो है वो करेक्ट रेप्टाइल है, ये तो बिल्कुल गलत. अगला कटला जो है वो फिश है, और आप भी जानते हैं रोहू कटला क्लेरियास ये फ्रेश वाटर बोनी फिशेज हैं, और यहां पर क्रोकोडिलस जो है ये रेप्टाइल है बेटा. और पैबो, पैबो क्या है, बर्ड, मतलब पैबो बोले तो पिकॉक, पैबो बोले तो पिकॉक, यहां पर आएगा पिकॉक. अगला बताओ बेटा पिकॉक, और सेडैकुला बोले तो पैरट, यहां पर ये आएगा पैरट, और कॉर्बस बोले तो क्रो. आप बताओ ये तीनों वर्ड जो है यहां पर ये सब क्या है, बर्ड्स. तो आप बताओ बर्ड्स में ही पाया जाता है, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, डी पार्ट इसका सही जवाब होगा, बहुत सारे बच्चों का सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं एसर्सन और रीजन. एसर्सन रीजन की अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि जितने वर्टिब्रेट हैं वो सब कॉर्डेट हैं, हाँ, क्योंकि जितने वर्टिब्रेट हैं वो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, हाँ, क्योंकि कॉर्डेट को हमने तीन पार्ट में बांटा है, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट. तो जितने वर्टिब्रेट होंगे वो सब क्या होंगे, कॉर्डेट, सही बात है. लेकिन बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात एसर्शन तो 100% सही है. बिकॉज नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स, हाँ, इसीलिए तो वर्टिब्रेट इसीलिए बोला गया क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड की जगह क्या आ जाता है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम. तो ये बात भी बिल्कुल सही है और रीजन भी है. तो हम कह देंगे फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. नोटोकॉर्ड अगर वही रह जाती तो वो वर्टिब्रेट बनता ही ना, वहां वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है. नेक्स्ट वन, ए पार्ट पहला विकल्प इसका सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, सबसे आसान है. पिंक टाडा को बोलते हैं, जल्दी से लिखवाओ यहां पर, पिंक टाडा को बोलते हैं, आप आंसर करो भैया. पिंक टाडा को बोलते हैं पर्लोस्टर, एंड साइलोस्टोमा को बोलते हैं बेटा हुकवर्म, यहां पर हुकवर्म, और यहां पर लिमुलस को बोलते हैं भैया किंग क्रैब, फटाक से यहां पर किंग क्रैब जो कि लिविंग फॉसिल है. फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर. तो आप जरा बताओ यहां पर फाइसेलिया क्या है, सिलिंड्रेटा है, यहां लिमुलस क्या है, आर्थ्रोपोडा है, और यहां पर एनसाइक्लोस्टोमा एस्केलमेंथीज, और पिंटाडा जो है मोलस्का है. तो आंसर करिए फाइसेलिया को आप मैच करेंगे, सबसे पहले फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो सेकंड वन इज द मैचिंग, और लिमुलस जो है किंग क्रैब लिविंग फॉसिल, तीसरा.
और फिर एंसाइलोस्टोमा की बात करें तो हुकवर्म चौथा और पिंटाडा परमोएस्टर पहला। दो तीन चार एक मिला लीजिए फटाक से, दो तीन चार एक। तो आप बताओ फोर्थ वन इज द राइट आंसर, चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही, चौथा विकल्प बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स अ हॉलो एंड न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स, कौन इसमें से है जो हॉलो एंड न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स को रखता है? तो ऑर्निथोराइनिकस को बोलते हैं हम लोग। देखते जाओ एग्जाम्पल पे ही सारे सवाल है। यहां पर प्लेटिपस है और ये क्या है ओवीपेरस और साथ में है मैमल, ओवीपेरस है और क्या है मैमल, जबकि ये न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स जो है वो पाई जाती है बेटा किसमें, बर्ड्स में, सिंपल है। और इसमें से देखना है बर्ड कौन है, हेमिडेक्टाइलस, ये क्या है रेप्टाइल है, ये क्या है रेप्टाइल। और मैक्रोपस जो है यहां पर अगर पूछा जाए तो इसे बोलेंगे मैमल। और यहां नियोफ्रॉन ये है मेन, नियोफ्रॉन की अगर बात करें तो ये आएगा मामला, नियोफ्रॉन जो है वो क्या है बेटा बर्ड, नियोफ्रॉन क्या है बर्ड। तो यहां पर नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन जो है ये है बर्ड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बी पार्ट इज द राइट आंसर, ये बर्ड है नेफ्रॉन नहीं नियोफ्रॉन। अगला यहां पर क्या है फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़िए, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमिंथ्स, नहीं पॉलिप का मेडुसा में जाना एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली, और इन दोनों पे एग्जिबिट करने वाला ओवेलिया ये जो कि सिलेंट्रेट है उसमें पाई जाएगी। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, 100% सही बात। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सही बात। कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन, बिल्कुल गलत है। अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट से उस गलत वर्ड को पकड़ना है आपको, जिसकी वजह नीट के अंदर अगर आपको 360 में 360 लाना है तो हर सवाल के बचे विकल्प जो गलत हैं, जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है, किस वजह से, क्या शब्द उसमें गलत है, ये पकड़ना आपको आना चाहिए, है ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम नहीं, वैस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने पूछा है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, तो सही हो गया बी सी और ई, तो पहला ही जो है पहला विकल्प ही बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट जल्दी से आगे देख ले बेटा, यहां आएगा लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। मेटामेरिज्म अगर पूछा जाए, मेटामेरिज्म की बात की जाए बेटा, तो मेटामेरिज्म किसमें पाया जाएगा बताओ भैया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात की जाए, अच्छा कैनाल सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम नहीं कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाएगा, ओरिफेरा में, तो ये क्या आ जाएगा चार। कॉम्ब प्लेट्स किसमें पाया जाएगा, टीनोफोरा में। नीडोब्लास्ट किसमें पाया जाएगा, सिलेंट्रेटा में। अब जो बच गया आप खुद समझ जाएंगे, यहां थर्ड वन इज द, यहां पर तीन चार दो एक, तीन चार दो एक, तीन चार दो एक, तो लास्ट पार्ट जो डी पार्ट है वो सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो और ए सिलोमेट हो, तो आप बताओ यहां पर ये तो क्या हो जाएगा भैया सिलोमेट, ये क्या हो जाएगा बेटा स्यूडो सिलोमेट, और ये क्या हो जाएगा ए सिलोमेट, तो यहां पर ए सिलोमेट एनिमल्स, तो बाइलेटरल सिमेट्री भी होनी चाहिए, तो यहां पर सिमेट्री क्या हो जाएगी रेडियल, तो ये तो हो ना पाएगा रेडियल नहीं, और यहां ए सिलोमेट भी है और बाई लेटरल है, तो प्लेटी हेलमेंथीज दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। तो ये आंसर आपको आसानी से मिलते रहेंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है। नेक्स्ट आइए, ये कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग, नीचे मैच करिए, तो ये कह रहे हैं सबसे पहले कि 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसमें पाई जाती है, तो आप बताओ सेकेंड वन इज द राइट आंसर। और यहां हेट्रोसर्कल काउडल फिन, ये वाला इधर आ गया हेट्रोसर्कल काउडल फिन, लेकिन ये हमें आता नहीं है ना, हम लोग पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी में दिया है, फिर भी सवाल होना चाहिए, नहीं आता फिर भी क्यों बाकी मैच करेंगे। एयर ब्लैडर जो है वो पाया जाएगा बोनी फिशेस के अंदर, तो यहां पर आ जाएगा चार नंबर। पॉइजन स्टिंग जो है बोलते हैं ट्राइगॉन पहले नंबर को, तो यहां पर एक ही बच गया बेटा, दैट इज द कॉन्ड्रिक्थाइस, तो दो तीन चार एक आप आसानी से पहले वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, पहला ऑप्शन आप आसानी से जा सकते हैं, है ना, फटाफट जल्दी से आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू
आर फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के लिए कौन सी बात जो है वो सही है, नीर 2020 में पूछा है इन्होंने। यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, ये वाली बात गलत है, एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट दियर लाइफ, नहीं ये गलत बात है। रीजन ये है कि ये सेफेलोकॉर्डेट में होता है, जबकि इसमें केवल लार्वल टेल तक ही ये पाई जाती है। नेक्स्ट, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल सही बात, नोटोकॉर्ड आगे चल के रिप्लेस हो जाएगी एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम से, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी बात बिल्कुल सही है। और यहां कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, इसे यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, जबकि हेमिकॉर्डेटा नहीं आएगा यहां पर, हेमिकॉर्डेटा की जगह क्या आएगा बेटा, वर्टिब्रेटा, क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद क्या आएगा, वर्टिब्रेटा। तो आप बताओ यहां बी और सी ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर वन इज द फोर्थ वन इज द राइट आंसर, डी पार्ट, बी एंड सी सही जवाब इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैथ्स का कॉलम है, ये कह रहे हैं ग्रेगेरियस है और ग्रेगेरियस पेस्ट एक ही है, दैट इज कॉल्ड लोकस्टा, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री और लार्वा में 22 लैटरल सिमेट्री, और ये केवल एक ही में है, इकाइनोडर्मेटा एस्टरियास स्टारफिश, आप सब जानते हैं। बुक लंग्स केवल और केवल स्कॉर्पियन में, स्पाइडर और स्कॉर्पियन में, इसमें अब बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो टीनोफोरा की बेलमार्क प्रॉपर्टी है। थर्ड 4 1 2 3 आसानी से आप कर भी सकते हैं, 4 1 2 3। नेक्स्ट वन इज द मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, फटाफट से आंसर करते जाएं भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करते जाओ। इसका आंसर कीजिए, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, पहला एप्पल स्नेल होता है, मोलस्का होता है, मोलस्का के माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला पाया जाता है, तो आंसर मैच कर जाएगा थर्ड से। बॉम्बिक्स जो है वो आर्थ्रोपोडा है और सिल्कवॉर्म को बोलते हैं, और उसमें इन मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो है एक्सक्रीशन के लिए पाई जाती है। चौथा प्लूरोब्रैकिया कॉम्प्लेक्स से मैच होगा, क्योंकि ये टीनोफोरा है बेटा, यहां पर टीनिया जो है वो टेप वर्म प्लेटी हेलमेंथीस है और उनमें फ्लेम सेल पाई जाती हैं। 3 4 2 1 आसानी से आपको सी पार्ट इज द राइट आंसर, तो आसानी से आप देख सकते हैं, है ना, सी पार्ट जो है वो इसका सही जवाब, मैच द कॉलम। अब आप देखो एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में सवाल कुछ ही जगह से बार बार पूछे गए हैं, स्टोन फूड से, हेट्रोस्पोरस से, फ्लैजिला से, ये बार बार सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट वन इज द मैच द कॉलम और एनिमल डायवर्सिटी, एनिमल किंगडम में आपको मैच द कॉलम खूब मिलेगा, रीजन बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे करेक्टर एक साथ हम लोग देख लेते हैं। चलो आंसर करो भाई, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार होता है जो कि काइनोडर्मेटा है, तो 3 नंबर, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है और सिलिट्रेटा है, तो 4 नंबर, पिंक टाडा पर्ल ओएस्टर है और मोलस्का है, तो 1 नंबर, और प्लानेरिया जो है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रखता है, प्लेटी हेलमेंथीस है, तो 2 नंबर। 3 4 1 2 इतना स्मूथली आप पेपर 40 मिनट के अंदर नीट का कर जाओगे कि कहने लायक, बस आपको दिमाग में, माइंड में आपको क्लियरिटी चाहिए, वो तब आएगी जब आप बढ़िया से चीजों को लर्न करेंगे और कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। 3 4 1 2 तो यहां पर अगर पूछा जाए, और याद रहना बहुत जरूरी है भैया, बगैर याद रहे सब बेकार है, बहुत समझ भी लिए याद ही नहीं है, मौके पे काम ही नहीं आया, तो किसी बात का फायदा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, यहां कह रहे हैं आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गेजार्ड, फिर वही बात, एप्स जो है उसमें, एप्स और जिसे बोलते हैं बर्ड्स, तो इसमें जो है ये कैरेक्टराइज्ड है बेटा किससे, बताओ भैया, बर्ड्स जो है वो कैरेक्टराइज्ड है दो एडिशनल चैम्बर, क्रॉप और गेजार्ड से। नेक्स्ट वन, बहुत आसान सवाल लेकिन आए हुए हैं, तो देखो हमें वही सवाल कराने हैं इसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं
कि आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा यदि आप पढ़ने में सिली मिस्टेक नहीं करते हैं और जल्दबाजी नहीं करते हैं। दोनों चीजें, और दोनों कंट्रोल भी रखना है, पेशेंस भी रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ जब सवाल अटेम्प्ट करेंगे तब जाके आपका कोई सवाल, कोई विकल्प, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं कराएगा बेटा। तो परसों वाले टेस्ट में इस तरीके को अपनाइए और हर ऑप्शन पे अपनी नजर को अच्छे से जमाइए ताकि कोई चीज स्किप ना हो। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट ए होम्योथर्म? होम्योथर्म होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं, और ये होम्योथर्मल होती हैं केवल बर्ड्स और मैमल्स। तो आप कहेंगे इसमें मैक्रोपस जो है ये मैमल है, और चिलोन जो है वो रेप्टाइल है, कैमलस जो है वो मैमल है, और सेटैकुला जो है बर्ड है। तो आप बताओ, बर्ड और मैमल तो कर लेंगे लेकिन रेप्टाइल कभी भी ये काम नहीं कर पाएगा। तो बी पार्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं पोरीफेरा के केस में जो स्पॉन्जो सील होती है वो लाइंड होती है फ्लैजिलेटेड सेल से, उसका नाम क्या होता है? जो उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर भी होती है, नाम है बेटा कोएनो सेल्स, कोएनो साइट्स, या फिर बोलते हैं कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स या फिर कोएनो साइट। नेक्स्ट वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है क्या यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट, क्या सारे ऑल मैमल्स आर विवीपेरस? नहीं, यहां पर एक आता है जिसका नाम है प्लेटीपस, और प्लेटीपस वन इज द ओवीपेरस, एक एक्सेप्शनल मैमल है। यहां कह रहे हैं ऑल साइक्लोस्टोमेट्स डू नॉट पजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, 100% सही बात, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट? नहीं सर, यहां पर क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें फोर चैम्बर्ड होता है, और ऑल पीसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम? नहीं सर, ये तो केवल और केवल बोनी फिश में होता है, और जो कार्टिलेजिनस फिश या कॉन्ड्रिक्थाइस होती हैं, उनमें ये बात नहीं होती, कॉन्ड्रिक्थाइस होती है उनमें ये बात नहीं है, उनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, उनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वन, तो सही आंसर क्या हो गया? बी पार्ट इज द राइट आंसर। अब ये सब सवाल आपको देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑल बोलेगा तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? बर्ड्स और मैमल्स से, तो आप बताओ, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, इधर है बर्ड्स और यहां पर है मैमल्स, तो चारों को चेक कर लेते हैं भैया कि कौन सा कॉमन नहीं है। विवीपेरिटी, तो ये तो वैसे ही क्या होती है, ओवीपेरस, अंडे देती है, और ये ज्यादातर क्या होते हैं, विवीपेरस, एक एक्सेप्शन है प्लेटीपस। तो आंसर तो आपको यही मिल गया, विवीपेरिटी ही कॉमन नहीं है। वार्म ब्लडेड होम्योथर्मल दोनों है, ऑसिफाइड इंडोस्केलेटन या बोनी दोनों का है, लंग से रेस्पिरेशन दोनों करते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू? कौन सा इनमें से सही रख रहा है वो आपको बताना है। ये बताओ कि करेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये कह रहे हैं कॉर्डेटा में जो है पजेस ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, ऐसा कॉर्डेटा में होगा, क्यों? जॉलेस भी तो कोई चीज होती है, तो यहां पर जॉलेस कौन होता है? साइक्लोस्टोम्स, तो ये तो है भाई। अगला, थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, की बात तो सही है लेकिन यहां पर भी तो क्रोकोडाइल को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट वन इज द कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन, बिल्कुल सही बात है, ये 100% सही बात है। और वीवी पैरस है मैमल, तो यहां पर तो प्लेटीपस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप बताओ, ये तीनों तो गलत हो गए, एक ही है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कॉन्ड्रिक्थाइस में जो है कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन है, तो सी पार्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग चारों में से नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में कौन सा मौजूद नहीं है? तो आप बताओ, ये पैरापोडिया लैटरल अपेंडेज नेरीज में होता है जो कि डायोसियस है, एनेलिडा स्विमिंग में काम आएगा, जॉइंटेड अपेंडेज काइटिनस एक्सोस्केलेटन मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा में होता है बेटा। तो एनेलिडा में भी एक डायोसियस ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है भैया, नेरीज, जिसका नाम क्या है, नेरीज। तो यहां पर ए पार्ट इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज द राइट आंसर, ए पार्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट वन, ए जॉलेस फिश
एक जॉलेस फिश है तो साइक्लोस्टोम की बात है। विच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोसीड्स लार्वा, तो फ्रेश वाटर में एग, तो जॉलेस फिश है, साइक्लोस्टोम है, गारंटी उसकी बात हो रही है, वो फ्रेश वाटर में एग देती है, होती मैराइन है, जाती है स्पॉनिंग के लिए कहां, फ्रेश वाटर में, उसका लार्वा एमोसीट है और जब वो एडल्ट में बन जाता है तो अपने ओशियन या मैराइन में लौट आता है। बताओ वो कौन है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पेट्रोमाइजॉन। पेट्रोमाइजॉन क्या बोलते हैं बेटा, लैम्प्रे। पेट्रोमाइजॉन क्या बोलते हैं, लैम्प्रे, यहां पर आएगा पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे। तो यहां पर ये बोलेंगे एमोसीट लार्वा। मेगजाइन हैगफिश भी है, तो यहां पर ऑप्शन कुछ और होना चाहिए बेटा, पेट्रोमाइजॉन और लैम्प्रे, ये दोनों जो है यहां पर इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे और दूसरा मेगजाइन हैगफिश, ये दोनों के दोनों जो है यहां पर आएंगे इसमें ऑप्शन में। नीट में गड़बड़ नहीं था जब 2015 में आया, लेकिन यहां पर मामला आपको देखना पड़ेगा, इन्होंने गड़बड़ कर दिया है ना, यहां कोई दूसरा ऑप्शन आएगा और तब जाके यहां आएगा पेट्रोमाइजॉन, ठीक है। क्योंकि दोनों एग्जांपल पेट्रोमाइजॉन को लैम्प्रे कहते हैं और मिक्साइन को हैगफिश कहते हैं और ये बात दोनों के लिए ही है। अब एमोसीट लार्वा बेसिकली पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे के लिए ज्यादा इस्तेमाल, लेकिन होता तो वही है, तो इसलिए जो है यहां पर ये दोनों आएंगे, है ना, मैगजाइन भी आएगा और पेट्रोमाइजॉन भी आएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस। अब इससे सरल सवाल क्या होगा कि इनमें से कौन सा विविपेरस नहीं है, तो आप बताओ प्लेटीपस का मतलब है ऑर्निथोराइनिकस, और ऑर्निथोराइनिकस होता है बेटा मैमल, और ये एक ऐसा एक्सेप्शनल मैमल है जो होता है ओविपेरस। यही तो तीन बार आ चुका है सवाल, और बाकी सारे मैमल क्या है, विविपेरस। तो आंसर जो है सही जवाब इस सवाल का पहला विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक मैराइन कार्टिलेजनस फिश है जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस करने वाली प्रिस्टिस, प्रिस्टिस को क्या बोलते हैं बेटा, सॉफिश। प्रिस्टिस क्या बोलते हैं, सॉफिश, आंसर करो जल्दी। स्कॉलोडॉन को क्या बोलते हैं बेटा, डॉग फिश, क्योंकि स्मेलिंग पावर तगड़ी है इसकी। ट्राइगॉन, टॉर्पीडो और ट्राइगॉन, टॉर्पीडो को क्या बोलेंगे और ट्राइगॉन को क्या बोलेंगे, बताओ भैया। ट्राइगॉन स्टिंगरे, ट्राइगॉन स्टिंगरे और टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, यहां पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, तो आंसर आ जाएगा टॉर्पीडो। बी पार्ट इज द राइट आंसर, सिंपल है, एनसीईआरटी में दे रखा है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। अब देखो ये बात आपको एनसीईआरटी मिलेगी, केवल टीनोफोरा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन से डेवलप करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नहीं। जबकि आप पोरीफेरा में देखोगे तो आपको फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, जबकि सिलिंट्रेटा के हाइड्रा में बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों मिलेगा, लेकिन आपको नहीं नजर आएगा टीनोफोरा में कोई एसेक्सुअल, और वहां पर सेक्सुअल मीन से होगा वनली, इसीलिए यहां पर बोला गया है टीनोफोरा। तो ये रहा बच्चों आज का सेशन आपका, जिसमें टोटल रहे 56 सवाल और नीट का पूरा पीवाईक्यू हम लोगों ने कवर किया है। जो भी टेस्ट में आता है उसका पीवाईक्यू हम लोग लगातार कर रहे हैं एक सीरीज के तौर पे, है ना। तो सेशन आपका पुराना पेपर भी, जो भी बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू करने में व्यस्त रहते हैं हम देखते हैं, जबकि उसके लिए आपको अलग समय नहीं देना है। और आने वाले टाइम में सरसन रीजन या बाकी चीजें ऑफलाइन भी बहुत अच्छे से सीट देके हम लोग करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना। तो संडे वाला टेस्ट आप शानदार तरीके से दीजिए और आज के सेशन को अच्छे से देख लीजिए, जो सवालों को करने का तरीका है सिली मिस्टेक को कम कीजिए, क्योंकि अब वक्त ऐसा है जहां मैच जो है वो हर एक गेंद पे बाजी पलट देगा। तो कोशिश करिए कि आपके ही पाले में मैच हमेशा रहे, उसके लिए आपको बैटिंग या बॉलिंग जो है दोनों शानदार करनी पड़ेगी फील्डिंग के साथ, है ना। तो उम्मीद है आप बेहतर करेंगे। चलिए आप अपना विजय माइनर टेस्ट दीजिए संडे को और फिर मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बच्चों।